हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत यूजफुल भी है अगर आप उसे सिंक्रोनाइज कर पाते हैं अपनी लाइफस्टाइल के साथ। जो डेली हम प्लान करते हैं कि हमें किस टाइम पर खाना चाहिए, किस टाइम पर कौन सी एक्टिविटी करनी चाहिए, वो अगर हम अपने फेजेस के अकॉर्डिंग, जो आयुर्वेद में फेजेस हैं होते हैं हमारे पूरे दिन में, उसके अकॉर्डिंग अगर हम सिंक्रोनाइज कर देंगे तो हमारा पूरा दिन बहुत प्रोडक्टिव हो सकता है, बहुत एनर्जेटिक हो सकता है। तो बात करते हैं आज दोषा साइकिल की, उसको एक्सप्लेन करते हैं पूरा कि ये क्या होता है और कैसे आप अपना दिन प्लान कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे टाइमिंग्स के बारे में। जो भी हमारा पूरे दिन में 24 आवर्स में 6 से 10 का टाइम आता है, 6 AM से 10 AM एंड 6 PM से 10 PM, वो होता है कफ टाइम, कफ फेज ऑफ द डे। उसके बाद जो 10 से 2 का टाइम आता है, 10 AM से 2 PM एंड 10 PM से 2 AM, वो होता है पित्त फेज। एंड उसके अलावा जो आपका 2 से 6 का टाइम आता है, 2 AM से 6 AM एंड 2 PM से 6 PM, वो होता है आपका वात फेज। तो स्टार्टिंग करते हैं अगर हम देख कि 6 AM से, तो हम सबसे पहले आता है आपका कफ टाइम। अगर हम मॉर्निंग में 6 o'clock उठ रहे हैं या 5 o'clock उठ रहे हैं, तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम कफ फेज ऑफ द डे। 6 AM से 10 AM जो आपका फेज आएगा वो होता है कफ फेज। अब ये फेज आपका होता है बहुत स्लो एंड स्लगिश, मतलब आप प्रिपेयर कर रहे होते हैं अपने एंटायर डे के लिए। जो लोग ऑफिस जाते हैं वो अपनी प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, जो स्कूल जाते हैं बच्चे वो अपना रेडी हो रहे होते हैं, तो इट्स काइंड ऑफ प्रेप टाइम। एंड जो लोग इनमें से कुछ नहीं कर रहे होते उनके लिए ये बेस्ट टाइम होता है वर्कआउट करने का, इफ़ यू हैव टाइम। 6 से 10 का टाइम जो कफ फेज होता है, मॉर्निंग एंड इवनिंग दोनों ही इसमें इंक्लूडेड है, तो बेस्ट टाइम है आपका वर्कआउट का। बिकॉज जब हम कफ को यूज़ करते हैं, उसको अगर हम लेजी रहते हैं उस टाइम पर, तो वो हमारा एक्यूमुलेट होने लग जाता है। और अगर ऑन द अदर हैंड हम उसे यूज़ करते हैं उस टाइम पर, कोई फिजिकल वर्कआउट करते हैं, दैट गिव्स स्ट्रेंथ, स्टेमिना एंड हमारी इम्यूनिटी बूस्ट होती है उससे। तो कोशिश कीजिए कि अगर आपके पास टाइम है तो प्लान योर वर्कआउट ड्यूरिंग दिस फेज ऑफ द डे। एंड इसके अलावा इस टाइम पर अग्नि जो होती है वो मंद होती है, स्लो होती है, क्योंकि कफ का नेचर ही स्लो है और डाइजेशन भी आपका स्लो रहता है। तो ब्रेकफास्ट आपका स्लो लाइट होना चाहिए। एंड अगर आपको भूख नहीं है तो आप फ्रूट्स एंड नट्स भी ले सकते हैं, बट डोंट स्किप इट, हैव समथिंग, लेकिन लाइट लेना है आपको। लाइट लेने का मन नहीं है, स्विच टू फ्रूट्स एंड नट्स ओनली, ठीक है। इसके अलावा जब ये फेज आपका 10 से 2 का शुरू होता है, 6 से 10 आपका कफ हो गया, देन 10 से 2 आपका फिफ्थ फेज शुरू होता है, 10 AM से 2 PM। अब ये फेज उनके लिए बहुत प्रोडक्टिव होता है जो वर्क पे होते हैं, मतलब आपके जितने भी चैलेंजिंग वर्क होता है, जो भी आपके स्ट्रैटेजिक टास्क होते हैं, वो सब करने के लिए ये टाइम बेस्ट होता है। बच्चे स्कूल में होते हैं, वो अपनी स्टडीज कर रहे होते हैं, तो इस टाइम पर जो आपका प्रोडक्टिव टाइम काम होता है वो सबसे ज़्यादा इस टाइम पर आपको प्लान करना चाहिए। बिकॉज इस टाइम पे एनर्जी अनदर लेवल पे होती है। एंड जो आपका मेन मील भी होता है डे का, जो हमारा लंच होता है, उसको भी हमें इस टाइम पर लेना चाहिए, और वो हैवी लेना चाहिए। बिकॉज आपका खाना इजीली डाइजेस्ट हो जाता है, क्योंकि इस टाइम पर जो अग्नि होती है वो बहुत तेज होती है, तीक्ष्ण होती है। तो आप कुछ भी अगर लेते हैं तो वो आपका इजीली डाइजेस्ट हो जाता है, उस खाने को हमारी बॉडी अच्छे से यूटिलाइज कर पाती है। तो इस टाइम पर आपकी खाने की क्वांटिटी अच्छी होनी चाहिए, और कोशिश कीजिए अगर आप उसमें अपने सारे रस, स्वीट, सावर, सॉल्टी, बिटर, एस्ट्रिंजेंट, ये सब अगर आप ऐड कर सके इस टाइम पर तो ज़रूर करने चाहिए। इसके बाद हमारा शुरू होता है वात फेज, विच इज़ 2 PM से 6 PM। अब इस टाइम पर जो हाउस वाइव्स हैं, जो होम मेकर्स हैं, जो लोग फ्री हैं, वो कई बार सो जाते हैं। तो ये टाइम, वात इज़ अ फेस ऑफ मूवमेंट एंड ये ड्राइनेस होती है इसमें, इसमें कोल्डनेस होती है, तो इस टाइम पर हमें सोना नहीं चाहिए। वैसे भी आयुर्वेद में कहा गया है कि दोपहर में सोना निंदनीय है, हमें दोपहर को नहीं सोना चाहिए। कुछ कैटेगरी ऑफ पीपल को ही एडवाइस किया जाता है कि वो इस टाइम पर सो जाएं, जैसे कि जो बच्चे हैं, चिल्ड्रन बिलो 5 ईयर्स, या फिर जो एल्डरली पीपल हैं अबव 70 ईयर्स, या फिर किसी की कोई सर्जरी हुई है, कोई डिसीज है, उस केस में एडवाइस किया जाता है कि आप सो सकते हैं। अदरवाइज हमें सिर्फ 15-20 मिनट्स का नैप लेना चाहिए, बिकॉज इट्स रिलैक्सेशन टाइम, कॉन्शियस आपको रेस्ट लेना चाहिए, सोना नहीं है। एंड देन हर्बल टीज लेने के लिए ये टाइम बहुत अच्छा है, बिकॉज बात का नेचर शीत होता है, और जब हम इसमें हर्बल टीज लेते हैं हमारी इम्यूनिटी बहुत अच्छे से स्ट्रांग भी होती है, हेल्प करता है वो हमें, और थोड़ा वार्म
हमें कुछ ना कुछ ड्रिंक्स इस टाइम पर लेनी चाहिए, बिकॉज आपने लंच किया होता है, लंच के बाद आप एकदम सो जाएंगे तो वैसे भी आपका वात इम्बैलेंस हो जाएगा और कफ को वो डोमिनेट कर देगा। तो ऐसा हमें नहीं करना है, बिकॉज जब कफ डोमिनेट होता है तो वो वेट गेन ओबेसिटी का प्रॉब्लम हमारा शुरू हो जाता है। अदर देन दिस, ये टाइम बहुत हेल्पफुल है आपका सोशलाइज होने के लिए। अगर आपको एक तो बॉडी को मूवमेंट में रखना चाहिए इस टाइम पर, और सोशलाइज होने के लिए आउटडोर एक्टिविटीज़ के लिए ये बेस्ट टाइम होता है, तो इस टाइम को ज़रूर यूटिलाइज करें। उसके बाद आपका आता है अगेन कफ टाइम, विच इज़ 6 PM to 10 PM। इस टाइम पर हम ऑफिस से भी निकल रहे होते हैं, 6-7 सब वाइंड अप करके घर आ जाते हैं, तो फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करने का ये बहुत अच्छा टाइम है। आपको अपने फ्री टाइम में जो भी करना अच्छा लगता है वो आप इस टाइम पे कीजिए। अगेन अग्नि इस टाइम पे मंद होती है, तो आपको लाइट डिनर करना है जो इजीली आपका डाइजेस्ट हो जाए, लेस पोषण हो और लाइट फूड हो, तो बहुत अच्छा है। और इसमें आप यस आपको प्रिपेयर करना है खुद को स्लीप के लिए, बिकॉज 9 AM अगर आप बेड पे जाते हैं, आप कोई भी बुक रीड कीजिए, मेडिटेट कीजिए, तो आप ये टाइम को बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हैं, जो आपको हेल्प करेगा इजीली स्लीप आने के लिए भी। देन अगेन आपका 10 PM फिफ्थ टाइम शुरू होता है, 10 PM से 2 PM। अब ये टाइम जो होता है, इस टाइम पर बॉडी आपकी हील करती है, आपको रिपेयर करती है, रीजनरेट करती है सेल्स को। अब इसका क्या मतलब है, पूरा दिन हमारी बॉडी ने बहुत काम किया है, इन्फेक्शंस आए बॉडी में, बैक्टीरियाज आए, हमारे इम्यून सेल्स जो हमारी बॉडी में थे उन्होंने फाइट किया उनके साथ, उनको डेड किया, और उनके साथ फाइट करते हुए खुद भी डेड हो गए। तो जो हमारे नए सेल्स बनेंगे वो हमारे बनते हैं 10 PM से 2 PM के टाइम पे। और अगर इस टाइम पर हम जागते हैं, कोई भी काम कर रहे हैं, देन आवर ब्रेन इज वर्किंग, और जब ब्रेन काम कर रहा है तो उसे भूख भी लगेगी, तो मिडनाइट आप स्नैकिंग भी करेंगे। जो आप ऐसा करते हैं तो होता क्या है, आपने पित्त फेज को बिजी कर दिया डाइजेशन में। अब जो आप खाना कुछ भी स्नैकिंग करेंगे वो उसको डाइजेस्ट करने में एनर्जी लगा देगा, लेकिन जो उसका एक्चुअल काम था बॉडी को हील करने का, न्यू इम्यून सेल्स बनाने का, वो सब वो नहीं कर पाएगा, तो जिससे हमारी बॉडी की इम्यूनिटी वीक हो जाती है। तो इस टाइम पर बेस्ट होता है कि आप सो जाएं, क्योंकि ये बेस्ट टाइम पित्त फेज का जो टाइम है उस पर सोना मतलब इम्यूनिटी को बूस्ट करना, अपने तीनों दोषों को बैलेंस में रखना। ठीक है, तो ये था पित्त फेज के बारे में। अब हम बात करते हैं वात फेज की, जो आता है 2 AM से 6 AM के बीच में। अब 2 AM से 4 AM का जो टाइम होता है, उस टाइम पर हम सो रहे होते हैं, एंड वात का काम होता है मूवमेंट का। तो वात मूवमेंट कर रहा होता है, जो टॉक्सिन्स को पित्त ने इकट्ठा किया है वो सब उनको मूव करा कर कहाँ लेकर आता है, हमारे रेक्टम पर। तो जब हम सुबह उठते हैं तो हमें एक प्रेशर फील होता है, ठीक है, तो वो वेस्ट को निकालने का काम भी वात का होता है, बॉडी में मूवमेंट का काम सब वात करता है। ठीक है, इसके अलावा जब 4 AM के बाद 4 से 6 AM का जो टाइम होता है वो ब्रह्म मुहूर्त का टाइम होता है, बहुत ही पीसफुल टाइम होता है बच्चों के लिए जो स्टडीज कर रहे हैं। इस टाइम पर अगर आप स्टडी करते हैं बहुत हेल्पफुल होता है, वो आपके माइंड में फिट हो जाता है। एंड मेडिटेट करने का बहुत अच्छा टाइम है, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करने के लिए ये टाइम बेस्ट होता है। तो ये टाइम आप इस तरह से यूटिलाइज कर सकते हैं, रिलैक्सेशन का पीसफुल टाइम है। तो कभी भी अगर आप 4 AM उठे हो, आपने देखा हो अगर आउटडोर्स पे जाकर 5 मिनट्स भी अगर आप देते हैं ब्रीदिंग एक्सरसाइज करने के लिए, बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, तो इस तरह से आप इन फेजेस को अपनी लाइफस्टाइल के साथ सिंक्रोनाइज कर सकते हैं फॉर योर बेटर हेल्थ। आपकी हेल्थ अच्छी करने के लिए बहुत अच्छा है कि आप अगर सब कुछ नहीं कर सकते तो एटलीस्ट कुछ चीज़ें इम्प्लीमेंट करके ज़रूर देखिए। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, हेल्पफुल हो आपके लिए। अगर अच्छा लगा हो तो डू लाइक इट, एंड अगर कोई भी आपको इशू है, कुछ नहीं समझ में आया, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, टेक केयर, स्टे हेल्दी एंड हैप्पी। बाय बाय।